हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एम्पियर लॉ और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन और कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है इसकी क्या एप्लीकेशन होगी, इसका बेनिफिट क्या होगा। यू नो दैट अब तक जो हम क्लास में मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारा मेन मोटिव मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना था। हमने देखा था कि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसके सराउंडिंग में किसी पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी, तो आप बायट सावर्ट लॉ यूज करते थे और उसकी हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया आपने। ठीक है, कई सारे केस आपने डिस्कस किए, आपका जो कंडक्टर उसकी फाइनाइट लेंथ हो, इनफाइनाइट लेंथ हो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, या फिर आपका जो कंडक्टर है उसको आपने एक सर्कुलर कोइल बना दिया तो सर्कुलर कोइल के सेंटर पे या सर्कुलर कोइल के एक्सिस पे कोई एक पॉइंट पी है, इन सभी केसेस में आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी बाय यूजिंग बायट सावर्ट लॉ। और ये थोड़ा सा बल्जी लॉ था, काफी भारी था, काफी सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती थी। तो फिर इस ये जो बायट सावर्ट लॉ है इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड बनता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, सो अब आप एक कंपैरिजन वाली सिचुएशन देखो। चलो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट में चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या देखा था, आपके पास में कोई भी एक पॉइंट चार्ज था, उसके किसी भी सराउंडिंग में कोई एक पॉइंट था, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते थे KQ/r2। ठीक है, Q/4πε0r2, और उसकी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। फिर हमने कई सारे इसी फॉर्मूले से कई सारे केसेस डिस्कस किए। हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ली, उस डायपोल की एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की, बेसिक इसी अप्रोच को यूज करते हुए। तो ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जैसे अभी तक हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये अप्रोच जो KQ/r2 वाली अप्रोच है, ये ठीक किससे मैच करती है, बायट सावर्ट लॉ से। बायट सावर्ट लॉ की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और KQ/r2 वाली अप्रोच से हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। फिर आपने देखा कि जब सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनती है तो वहां पे ये जो मेथड है काफी लेंदी हो जाता है। ठीक है ना, KQ/r2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। फिर वहां एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, दैट वाज गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से हमने क्या देखा था, हम कोई भी एक पॉइंट पी चूज करते, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते। ठीक है ना, जैसे एक पॉइंट चार्ज है तो उसका गॉसियन सरफेस हम एक स्फेरिकल शेप में ड्रॉ करते और उसकी हेल्प से हम इजीली, बिल्कुल इजी मैनर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, किया था हमने। अब आज की क्लास में हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ये बिल्कुल गॉस लॉ से मैच करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रोल गॉस लॉ का होता है, मैग्नेटिक फील्ड में वो ही रोल किसका है, एम्पियर सर्कुलर लॉ का। ठीक है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ बेसिकली क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसके सराउंडिंग में कोई एक पॉइंट पी है। ठीक है, उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम काफी डिटेल और एक इजी वे में स्टडी करेंगे। चलो, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज करो कि एक करंट है जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, हो सकता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप जैसे कहो वैसे मैं डायरेक्शन ले लेता हूं। चलो आउटवर्ड लो, इनवर्ड ले लेता हूं। ये प्लेन है और इसमें करंट फ्लो करता है ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनवर्ड। ये जो क्रॉस का सिंबल है ना, क्रॉस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। आप कभी ये सोचो कि सर क्रॉस से तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, कोई जरूरी नहीं है, आप क्रॉस लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्शन चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, वो परपेंडिकुलर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है,
और मान लो कि मैं डॉट से बना देता हूँ, डॉट के ऊपर जैसे सर्कल बना देता हूँ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये रिप्रेजेंट करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन। मान लो कि इस बोर्ड से कोई करंट ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम यूज करते हैं। आज अभी मैग्नेटिक फील्ड की इनकी टर्म में बात नहीं कर रहे, हम करंट की बात करें। एक करंट हम परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक करंट यहाँ पे दिखाया है जो कहाँ मूव कर रहा है, जब जो कहाँ फ्लो कर रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, और ये करंट कितना है आई, ठीक है। आपको पता है ये आई करंट है अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इनविजिबल जोन होगा, ठीक है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड में यहां कोई एक पॉइंट पी है, कहीं पे भी आप ज़ूम कर सकते हो, मैं यहां कर लेता हूं, यहां एक पॉइंट पी है, ठीक है। आपको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एम्पियर सर्कुलर लूप क्या कहता है, वो कहता है कि आप एक ऐसा एम्पीरियल लूप बनाओ, एक ऐसा एम्पीरियल लूप बनाओ, ठीक है, जो क्या है इस पॉइंट पी से पास कर। तो मैंने एक सर्कुलर फॉर्मेट बना लिया, सर्कुलर फॉर्म में एम्पिरियल लूप बना दिया, ठीक है ना। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एम्पिरियल लूप को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एम्पिरियल, ये जो एम्पिरियल सर्कुलर लूप है, ये हर एक जगह वैलिड है, बट यूजफुल स्पेशल कंडीशन में होता है, ठीक है ना। वैलिड हर जगह होगा, लेकिन यूज हम कुछ कुछ जगह पे करेंगे जहां हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये पॉइंट पी था, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो हमने इस पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल की शेप में हमने एक एम्पिरियल लूप ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। एम्पिरियल सर्कुलर लॉ से रिलेट करता है, तो हम इसको बोलेंगे एम्पिरियल लूप, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस लूप की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। हमें इस लूप की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ एक ही करंट फ्लो होता हुआ दिखाया है, ठीक है। तो ऐसी भी हो सकती है सिचुएशन, हो सकती है कि दो तीन वायर इसी डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रही हो, या कुछ वायर बाहर की तरफ भी आ रही हो। तो आपको पता है करंट की एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, तो उसकी अपोजिट वाली आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। एक कन्वेंशन लेनी पड़ेगी कि करंट की एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट वाली नेगेटिव होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस लूप की डायरेक्शन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो इस लूप की डायरेक्शन आप कोई भी ज़ूम कर सकते हो, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो। मैं इस लूप की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज ले लेता हूं, सपोज दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है। अब इस लूप की डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज ली है, तो इस केस में अब मैं आपको कह रहा था कि करंट एक को बाय कन्वेंशन पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे। यहां तो मैंने एक ही करंट दिखाया है, जब कई सारे आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो करंट की डायरेक्शन कभी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, कभी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। इसके लिए हमें इस लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो लूप क्या कहता है, देखो कहता है कि जो करंट है ना, करंट, अब करंट कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, वो देखो। अब सपोज करो ये जो मैंने क्रॉस दिखाया हुआ है, इसका मतलब करंट कहां फ्लो कर रहा है, इस बोर्ड के अंदर इनवर्ट डायरेक्शन में। लूप की डायरेक्शन आपने अज्यूम कर ली क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, और आपका थंब कहां हो गया, करंट की डायरेक्शन में। आपका थंब कहां हो गया, करंट की डायरेक्शन में। तो इस केस को मैं ले लूंगा पॉजिटिव, यहां पे करंट को क्या ले लूंगा, पॉजिटिव, ठीक है। आई करंट यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब मान लो कि यहां पे कोई एक दूसरा करंट भी है, क्या चीज है, एक दूसरा करंट भी है, और उस करंट की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब एक करंट इस बोर्ड से बाहर की तरफ आपकी स्क्रीन की तरफ आ रहा है, और उस करंट को मैंने बोल दिया वो करंट कितना है आई डैश, ठीक है। लेकिन आपने लूप की डायरेक्शन कौन सी ले रखी है, आपने क्लॉकवाइज ले रखी है बाय कन्वेंशन। तो अगेन आप क्या करोगे, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, आप अपने लूप की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करोगे, आपने कर दिया, ठीक है। तो थंब आपका अंदर की तरफ जा रहा है, आपका थंब तो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन करंट क्या है, आपके थंब की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन को क्या ले लोगे, नेगेटिव,
यहां पे करंट फिर क्या ले लोगे, नेगेटिव करंट को कंसीडर करोगे नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल आएंगे वहां यूज होगा, ठीक है ना, ताकि मतलब जो आप न्यूमेरिकल में देखो ये डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपको ये लगा होना चाहिए कि पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो जस्ट करंट की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अब हम बात करें एम्पियर सर्कुलेटर लॉ की। तो एम्पियर सर्कुलेटर लॉ क्या है, अब हम एम्पियर सर्कुलेटर लॉ की बात करेंगे। मैंने कुछ लिख दिया ताकि आपका टाइम सेव हो सके। एम्पियर सर्कुलेटर लॉ बिल्कुल इजी है, देखो क्या कहता है, कहता है कि आपके पास पे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और सपोज करो कि करंट कहां फ्लो कर रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे दिखा सकता हूं मैं, करंट की डायरेक्शन ये है और ये जो करंट फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन वो कितना है, वो आई करंट है, गेटिंग माय पॉइंट। और यहां पे एक पॉइंट पी है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्पिरियन लूप ड्रॉ कर देंगे, क्या ड्रॉ कर देंगे, एक एम्पिरियन लूप, ठीक है, ऐसे सर्कुलर शेप में आएगी, शेप इसकी सर्कुलर बना देना, शेप इसकी क्या रहेगी, सर्कुलर। तो ये जो करंट है इसके कारण यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी, कितनी रहेगी, बी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, बी, ठीक है। और ये जो लूप है इसकी आपको एक डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर कर ली है। तो उस केस में एम्पियर सर्कुलेटर लॉ क्या कहता है, कह रहा है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल का मतलब एक क्लोज लूप जिसकी कुछ लेंथ हो, गॉसियन सरफेस में, देखो गॉस लॉ में हम क्या पढ़ते थे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल था, यहाँ सरफेस एरिया की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हम ये देखो एक सर्कल लिया हुआ है हमने, एक अलोंग लेंथ की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो लॉ बनेगा एम्पियर सर्कुलेटर लॉ में क्या कहता है, कह रहा है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्लोज लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है ना, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है ना, एम्पियर लॉ क्लोज ही होता है। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा म्यू नॉट टाइम्स परमीएबिलिटी टाइम्स, म्यू नॉट क्या चीज होता है, परमीएबिलिटी, जो एक तरीके से मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट लूप, इस लूप के अंदर से जितना करंट पास करेगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है ना, लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई के, ठीक है। यहाँ पे आई करंट है जो लूप में से पास हो रहा है, ठीक है, अभी आई करंट इनवर्ड डायरेक्शन में है, डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज कंसीडर की है तो आई को पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो म्यू नॉट इनटू आई ये रहेगा, देन तो ये आपका बन गया एम्पियर सर्कुलेटर लॉ के अबाउट। अब यहाँ पे एक से ज्यादा करंट हो जाते तो क्या करते, ठीक है, मान लो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती, ये मेरे पास मान लो कि यहाँ एम्पिरियन लूप बना दिया, यहाँ कुछ करंट थे एक इनवर्ड डायरेक्शन में एक आउटवर्ड में, ठीक है, ये करंट कितना था आई और आउटवर्ड वाला कितना था आई डैश। तो इसके लिए एम्पियर सर्कुलेटर लॉ आपको लिखना हो, ठीक है, एम्पियर सर्कुलेटर लॉ के अकॉर्डिंग आपको लिखना हो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब लूप की डायरेक्शन आपने सपोज करो कौन सी ले ली, क्लॉकवाइज, तो आपको पॉजिटिव कौन सा लेना पड़ेगा, प्लस आई, आई को प्लस लेना पड़ेगा और आई डेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ और आपका थंब अंदर की तरफ होता है। तो इस वाले बाय कन्वेंशन एक इस आई डेस को हम लेंगे नेगेटिव, तो नेट करंट कितना बना आई माइनस में आई डेस, और ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स के, किसके, म्यू नॉट टाइम्स। तो हम ऐसे इसको अप्लाई करेंगे, आगे कुछ सिचुएशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी यहां से आपको एम्पियर सर्कुलेटर लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
हाँ, फिर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको टॉपिक स्टार्ट करते ही बताया था कि एम्पियर सर्क्यूलर लॉ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हर एक जगह एप्लीकेबल है, इट इज वैलिड एवरीवेयर, बट इसका फायदा तब है जब कुछ स्पेशल कंडीशन में हम यूज करें तो। ठीक है ना, वो स्पेशल कंडीशन कौन कौन सी है? ये जो फर्स्ट स्पेशल कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे देखो ये जो करंट है, मैं इसको थोड़ा सा इसकी बाउंड्री बना देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। मतलब ये आपके पास में कोई भी करंट है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ट डायरेक्शन है, और ये करंट कितना है I, और यहाँ पे एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पे आपको फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दोगे। क्या कर दोगे? एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दोगे। अब बेटा मैं आपसे ये कहूँ कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो अब मैं इसमें हमें लूप की डायरेक्शन भी तो चूज करनी होती है। मैं यहाँ पे लूप की डायरेक्शन भी बता देता हूँ। लूप की डायरेक्शन हमने चूज कौन सी कर ली है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज कर ली है। और जो डायरेक्शन, नोट करें, जो डायरेक्शन लूप की होती है वही डायरेक्शन डीएल की होती है। डीएल और लूप की डायरेक्शन सेम होगी। अब आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो क्या करोगे आप? हम क्या करते हैं, देखो, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर। तो जो फिंगर कर्ल होगी वो डायरेक्शन देगी। हम पी पॉइंट पे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी पे ऐसे है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉइंट पी पे ये जो आई करंट है, इसके कारण पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन यू नीचे की तरफ, पॉइंट पी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये पूरी वायर का कुछ लेंथ होगा। इस वायर का मैं छोटा सा पोर्शन लेता हूं डीएल। क्या लेता हूं? एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं डीएल। तो इस केस में मैं आपसे पूछूं कि डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? तो मैंने आपको बताया डीएल की डायरेक्शन वही होती है जो लूप की होती है। लूप की डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज ली हुई है, तो डीएल की डायरेक्शन भी ऐसे ही हो जाएगी। डीएल की डायरेक्शन सेम होगी, इसी के ऊपर लाइन आएगी डीएल। तो यहाँ पे बी और डीएल के बीच में एंगल की बात करें तो एंगल कितना होगा? बी और डीएल के बीच में एंगल आप यहां से दिखा दो थीटा। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। तो एम्पियर लो जब भी हम अप्लाई करेंगे तो ये चीज का ध्यान रखेंगे कि ऐसी कंडीशन हम लेंगे, मतलब ऐसी सिचुएशन हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, एम्पियर लो लगाएंगे तो ये फेवरेबल कंडीशन होगी। जब क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूप के क्या हो जाए? टेंजेंशियल। ये आपने लूप बनाया, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। और लूप की डायरेक्शन डीएल की होती है तो डीएल भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो थीटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखो इसकी यूजफुलनेस देखो। आपको पता है B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? B dl cos थीटा। ठीक है, इस वाली सिचुएशन के लिए थीटा कितना है? 0 डिग्री। ठीक है ना, जब ये वाली कंडीशन होगी तो B dl cos 0, तो हमें क्या मिल जाएगा? B dl। इजीली हम इसको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इस पॉइंट B पे मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस होगी सर्कुलर लूप लेने के कारण। ठीक है, तो हमारी ये भी कंडीशन होती है कि हमें ऐसी जगह लेनी चाहिए जहां एम्पियर लूप बनाने के लिए मतलब जो पॉइंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, तो एक तो हमारी ये कंडीशन बनी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो और एंड कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड के मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट, राइट? ठीक है बेटा, अब इसके बाद में अब ये कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? कह रहे कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ लूप। ये भी कंडीशन हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है। ये कहता है कि जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक करंट फ्लो कर रहा है बोर्ड पे अंदर की तरफ। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट पी है जहां हमें फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
ये हमने एक एम्पिरियल लूप ड्रो कर लेना है, ठीक है, ये हमने एक एम्पिरियल लूप ड्रो कर लिया, ठीक है, और फिर लूप की डायरेक्शन चूज कर ली, तो पॉइंट पी पे फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे तो नीचे की तरफ होगी, यहाँ पे क्या होगी, नीचे की तरफ। कह रहे कि ऐसी सिचुएशन हो जाए कि मतलब पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड, इफ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाली कंडीशन दी है हम, ठीक है, कोई एक और इसको लॉक कर देते हैं हम, ठीक है, हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाए, ठीक है, और डीएल की डायरेक्शन ऐसे हो जाए, डीएल की डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना बना, 90 डिग्री, कितना बना, थीटा 90। तो इस केस में भी हमारे कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है, और जैसे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होता है, हम इसको लिख सकते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो बी डीएल कोस थीटा, तो इस कंडीशन में थीटा कितना हो गया, 90, तो आप वैल्यू पुट कर दोगे इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कोस 90, ठीक है, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है, ठीक है। लास्ट कंडीशन आती है इफ बी बिकम जीरो, ठीक है, तो बी बिकम जीरो होने का मतलब क्या है बेटा, देखो ये कंडीशन यहां तक आपने पढ़ ली, थर्ड कंडीशन हम यहां पे देखेंगे, कह रहे कि इफ बी जीरो हो जाए तो ये जो हमारा लू है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल को बी डीएल कोस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो हम इसको क्या पुट करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ जीरो कोस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। तो देखो कैलकुलेशन हमारे यहाँ पे इजी हो रही है, इसलिए जब भी हम एम्पियर लॉ अप्लाई करके किसी भी चीज के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे तो एम्पियर लॉ के लिए ये फेवरेबल कंडीशन होगी तो हमारे लिए कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगी और आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर पाओगे और हमें वही स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं, ठीक है, ओके। अब हम एम्पियर सर्कुलेटरी लॉ के प्रूफ को डिस्कस करेंगे, दिस इज प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलेटरी लॉ। इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर अज्यूम करना पड़ेगा, ये बहुत लॉन्ग कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ओके, और इस कंडक्टर में से आई करंट पास कर रहा है, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट पी है, यहां पे एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एम्पिरियल लूप ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पी को उसके अंदर इंप्लिकेट कर देंगे, ठीक है, और फिर हमें लूप की डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी, ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर कर ली लूप की, ठीक है। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इससे जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, या यूं समझिएगा कि आपने जो एक एम्पिरियल लूप बनाया है उसकी रेडियस कितनी बनेगी, आर, ठीक है। अब पॉइंट पी पे मैग्नेटिक, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं, ठीक है, अब ये कंडक्टर को आप, मैंने परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन दिखाया हुआ है, तो आप इस डायग्राम को कैसे कंसीडर करोगे, ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है, तो अब ये करंट कैसे फ्लो कर रही हूं, अंदर की तरफ, इसके कारण हम पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर अंदर की तरफ है, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कर्ल करो, फिंगर आ रही नीचे की तरफ, तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनी, नीचे की तरफ, ठीक है। और दूसरा, ये जो लूप है रेड कलर का, जो डॉटेड लूप है, इसका आप एक छोटा सा पोर्शन लोगे, डीएल लेंथ लोगे, क्या लोगे, डीएल लेंथ, ठीक है। ये जो डीएल लेंथ है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डीएल लेंथ की डायरेक्शन जो लूप की डायरेक्शन होगी तो वो नीचे की तरफ है, मतलब डीएल की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, डीएल वेक्टर की। तो एक तरीके से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल वेक्टर है दोनों के बीच में थीटा कितना बना, 0 डिग्री, ठीक है। हमें प्रूव करना है एम्पियर सर्कुलेटरी लॉ, तो फाइनली रिजल्ट को लेके जाना है
क्लोज मतलब जो b वेक्टर डॉट dl वेक्टर है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप। तो यहां लूप में से कितना करंट फ्लो कर रहा है i। अब बेटा यहां पे हम बात करें तो आप ये देखो, हम एम्पियर लॉ को प्रूव कर रहे हैं ना, तो बायट सावर्ट लॉ की हेल्प लेते हैं। तो आप लिखो, ये सारी आप लिख लोगे ना जो कंडीशन मैंने बताई है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसमें से आई करंट फ्लो किया, एक पॉइंट पी कंसीडर किया जो इससे आर डिस्टेंस पे है, एम्पियर लूप ड्रॉ किया, ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की डायरेक्शन है डीएल वेक्टर की एंड सो ऑन सो। अब आप लिखोगे वी नो फ्रॉम बायट सावर्ट लॉ, वी नो फ्रॉम बायट सावर्ट लॉ, जो बायट सावर्ट लॉ है वो क्या कहते हैं, ठीक है। बायट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। कंडीशन किसकी है, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके कारण पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, म्यू नोट आई अपॉन में टू पाई आर। We have derived previous class में infinite long straight current carrying conductor था, तो वहाँ हमने result find out किया था। तो आप point P पे ये infinite long current carrying conductor हो, तो point P पे इतना magnetic field होगा, definitely। चलो, अब इसके बाद में आप देखें, लिखो from Biot Savart law, from Biot Savart। बायट सावर्ट लॉ क्या कहता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू नॉट इनटू आई के इक्वल होना चाहिए, और हम क्या है म्यू नॉट इनटू आई लेके आएंगे इक्वल। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, बी डीएल कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हो, मतलब क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर सकते हो, From equation first, p की वैल्यू कितनी है, mu not i upon में 2 pi r, ठीक है, dl, cos theta, theta कितना है, 0, theta कितना है, 0 degree, तो यहाँ पे b vector dot dl vector is equal to mu not i upon में 2 pi r, बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, dl, और cos 0 कितना होता है 1, तो यहां से आप लिखोगे b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन में 2 पाई r dl। ये छोटे-छोटे dl को ये आप जो देख रहे हो छोटा सा dl जो मैं रेड कलर से थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो छोटे-छोटे dl है इन सभी को आप कंबाइन करोगे तो आपको इस एम्पिरियन लूप का सर्कमफेरेंस मिल जाएगा, और एम्पिरियन लूप का सर्कमफेरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर के, ठीक है। आप यहां पे लिख सको तो लिख लो, dl किसके इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ एम्पिरियन लूप, और जो कि सर्कुलर शेप में आपने लिया हुआ है, ठीक है। फिर जो चीज कैंसिल आउट हो रही है, काट दो 2 पाई से 2 पाई आर से आर, बस बन गया आपका रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट क्या है, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर कितना आना चाहिए था, म्यू नॉट इनटू आई, तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ बन जाता, और यहां पे ये बन गया, आप लिख दोगे हेंस प्रूफ। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ की। अभी हमने एम्पियर लॉ को ये फॉर्मूला स्टडी किया, फिर हमने उसका प्रूफ किया, बायट सावर्ट लॉ की हेल्प लेके उसको प्रूफ किया था। अब हम देखेंगे कि एम्पियर लॉ का कहां यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है इसका यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने में। अब आप देखो कि इसको अप्लाई करके हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वो भी केस कौन सा लिया हुआ है, आपने आपने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इस केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, देखो इसका रिजल्ट तो आपको पता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके सराउंडिंग में
ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे कोई पॉइंट P, इससे जो r डिस्टेंस पे इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको अब करना क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो सबसे पहले तो हम एक करंट कैरिंग वायर लेंगे, ठीक है, जिसमें जो मतलब एक करंट लेंगे जो क्या कहां फ्लो कर रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और फिर इस यहां पे एक पॉइंट पी है, यहां पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रूल क्या कहता है, हमें एक एम्पीयर लूप ड्रो कर लेना है, ठीक है। और ये जो करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पे एक वायर होगी ना, ठीक है। चलो ये वैसे तो वायर अंदर की तरफ है, मैं इसको दिखाना चाहूं तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना, ये वायर अंदर की तरफ है। अब पॉइंट पी इस वायर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, और आपने ये एक एम्पीयर लूप भी बना दिया, ठीक है। देखो कंडीशन सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन ये है कि जो करंट कैरिंग वायर है वो बोर्ड के अंदर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसका एम्पीरियल लूप आप ऐसे ड्रो कर दोगे, एम्पीरियल लूप आप ऐसे ड्रो कर दोगे, और पॉइंट पी यहाँ कहीं है, पॉइंट पी कहाँ, ये जो टेप रोल दिखा रहा हूँ यहाँ पे कहीं पॉइंट पी है, ठीक है। और इस लूप में, इस लूप की डायरेक्शन भी तो आपको चूज करनी पड़ती है ना, तो लूप की डायरेक्शन मैं ये बता देता हूँ कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है लूप की, लूप की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो देखो सिचुएशन कैसी है, मतलब ये करंट कैरिंग वायर है, ये आपने लूप ले रखा है, पॉइंट पी यहाँ पे है। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और पॉइंट पी पे फिंगर रखेंगे तो ऐसे, मतलब यू टेंजेंशियली जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस लूप के, क्या होगी टेंजेंशियल इन दिस वे, और यही लूप की डायरेक्शन है, तो डीएल वेक्टर की भी डायरेक्शन यही हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, थीटा कितना होगा, जीरो। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ये सारी बातें आप लिख लोगे ना, इस वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, और ध्यान रखना ये जो करंट फ्लो कर रहा है दिस इज द परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो आप लिखोगे टेक एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर फ्रॉम विच आई करंट इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, P is the point where we have to find out the magnetic field and which is situated at a distance r from this straight wire, ठीक है, okay, फिर ये magnetic field और ये direction वगैरह ये लिख देंगे, ठीक है। अब एक हमें magnetic field find out करना है using Ampere circuital law, तो आप लिखो कि derivation बिल्कुल छोटी है, derivation में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो लिखो we know Ampere circuital law, Ampere circuital law क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, म्यू नोट इनटू आई के इक्वल, ठीक है। चलो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई, आई करंट वो होता है जो एम्पीयर लूप में से फ्लो कर रहा है, यहां हमने एक ही करंट ले रखा है, ठीक है, और वो पॉजिटिव बनेगा, क्यों बनेगा मैं बता चुका हूं डिटेल में, ठीक है। तो बी डी एल थीटा यहां पे कितना बना, जीरो, is equal to mu naught into I, फिर यहाँ पे B बाहर निकाल लो, ठीक है। B बाहर क्यों बोला, ये पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और हर जगह बी डी एल, हर जगह बी डी एल की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। देखो अब एक बात बताओ, मान लो मैं ये पॉइंट क्यों आपको ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन ड्रॉ नहीं करना, मान लो यहाँ पे मैं कोई क्यू पॉइंट लेता, तो क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, देखो ये करंट तो अंदर की तरफ जा रहा था, पी पॉइंट पे तो फिंगर मेरी अंदर की तरफ आ रही है, क्यू पॉइंट पे आते आते फिंगर कहाँ हो जाती, ऊपर की तरफ, तो यहाँ बी वेक्टर ऊपर हो जाता, तो लूप की डायरेक्शन भी ऊपर है तो डी एल ऊपर हो जाता, तो अगेन थीटा जीरो, चाहे आप यहाँ आर पॉइंट लो, यहाँ एस पॉइंट लो, हर एक जगह बी डी एल दोनों पैरेलल हो जाने थे, ठीक है। तो यही तो फेवरेबल कंडीशन है, इन्हीं केसेस में तो एम्पीरियल लॉ यूजफुल होता है। चलो ठीक है, बी हमने बाहर ले लिया, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई,
बेटा ये जो छोटे छोटे डीएल लूप है, यहाँ पे जो लूप हमने लिया है, डीएल लूप लिया है, ठीक है, ये जो डीएल लूप लिया है, इन सभी का हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एम्पिरियल लूप का सर्कमफेरेंस मिलेगा, और जो कि 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई, म्यू नोट परमेबिलिटी है, और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वैल्यू आएगी म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। बेटा 2 या 3 मार्क्स में जो डेरिवेशन आती है इस तरह की, बिल्कुल इजी डेरिवेशन है ये, मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है एम्पीयर सर्कुलर लॉ का। अब हम बात करेंगे सोलेनोइड के अबाउट। सोलेनोइड का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। सोलेनोइड बेसिकली क्या होता है, इसमें आपके पास में कॉपर की वायर होती है जिसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, और यूं कहिएगा कि पीवीसी मटेरियल की होती है। कॉपर की वायर को हम इंसुलेट कर देते हैं, तो सोलेनोइड में क्या होता है, एक इंसुलेटेड कॉपर की वायर होती है जिसको हम किसी भी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर हेलिकल शेप में बाउंड करते हैं, ऐसे ऐसे, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, और उसको हम बोलते हैं कि वो क्या बन जाता है, सोलेनोइड, ठीक है ना। क्लास 10th में आपने देखा था कि सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसके दोनों एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जितना उसके अंदर होता है उसका हाफ होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना, बिल्कुल याद आ गया होगा आपको। तो आज वही टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड बेसिकली क्या होता है, इट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड closely in form of helix on non-conducting material, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। देखो, आप सबसे पहले कोई भी एक non-conducting material ले लो, ठीक है, ये non-conducting material ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर हम कॉपर की वायर को ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, बाउंड कर देंगे, ठीक है। तो मान लो कि मैंने कॉपर की वायर को ऐसे बाउंड किया, ठीक है, और इस तरीके से, ऐसे ऐसे हम कॉपर की वायर के ऊपर बाउंड करते हैं, ठीक है। तो इसका एक हिस्सा तो पीछे की तरफ जाएगा, उसको आप रब कर दो, कि मेरी ड्राइंग ऐसी है, आप समझ गए होंगे ना, मतलब देखो आप इसके ऊपर कोई भी वायर माउंट करोगे तो एक हिस्सा तो आपको आगे की तरफ जाएगा, दूसरा पीछे की तरफ होगा, तो रोटेट वाला वो हिस्सा जो पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये बन जाता है सोलेनोइड, ठीक है। ये जो वायर आप देख रहे हो ये है कॉपर वायर, दिस वन इज कॉपर वायर, और ये जो ब्लैक कलर का मटेरियल है ये है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, non-conducting material, और इसने इसको आपने हेलिकल शेप में एक हेलिक्स बना रखा है, लाइक ये मेरे पास नोट्स है, इसमें देख सकते हो, ठीक है। सोलेनोइड की देखो ये हेलिकल शेप है, जैसे जो स्पाइरल का ये जो है प्लास्टिक वाला, ठीक है, नोट्स को जो बाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, ये इसका आप क्या करते हो, ये एक फ्रंट वाला हिस्सा तो दिखता है, इसका बैक वाला नहीं दिखता ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ये फ्रंट वाला हिस्सा आपको डार्क दिख रहा है, ठीक है, या इसको आपको ऐसे बनाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये हिस्सा तो ऊपर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, क्लियर है। तो बेटा ये हेलिकल शेप है, ठीक है, इसके इसलिए कि बहुत सारी चीजें हेलिकल शेप में आप देख सकते हो, ठीक है, ये स्माइली तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को हाइड कर लेते हैं, तो ये जो स्प्रिंग की शेप है ये हेलिकल शेप है, ठीक है। चलो अब हम बात करें, तो ये तो होता है सोलेनोइड। अब हमने क्या देखा, ये जो सोलेनोइड है इसके साथ में हम वायर कनेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे मैंने कनेक्टिंग वायर लगा दी इस वाले सोलेनोइड के, इस सोलेनोइड की जो वायर जो बाउंड कर रखी है उसका एक टर्मिनल यहाँ है और दूसरे टर्मिनल को आप ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है, मान लो कि दूसरा टर्मिनल यहाँ पहुंच गया ऊपर की तरफ, तो इसके साथ में आपको एक बैटरी कनेक्ट कर देनी है, बैटरी के साथ में की भी लगा दो, ये की है, ये बैटरी है, ओके। तो अब जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। हमने यहां से की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज करते ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा,
ठीक है ना, इस वायर में से करंट फ्लो करेगा इन दिस वे, ठीक है। तो बेटा क्या रहता है कि जब इस सोलेनोइड में से करंट फ्लो करेगा तो हमने क्या देखा, हम इस अरेंजमेंट को, अब यहाँ पे सोलेनोइड है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और इस अरेंजमेंट को हम ऐसे ही फ्रीली सस्पेंड करें, ऐसे मान लो कि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल था, इसके ऊपर हमने कॉपर की वायर लगा रखी है और इसके साथ बैटरी लगा के इस वायर, इस सोलेनोइड में से करंट फ्लो हो रहा है और इसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा, हमने देखा कि ये फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है सोलेनोइड, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होने का क्या मतलब है कि ये जो सोलेनोइड है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मतलब क्या है, एक सोलेनोइड इज सस्पेंडेड फ्रीली, इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, इसका मतलब क्या है, इट मीन इट बिहेव एज बार मैग्नेट, ये सारी बेसिक सी बातें हैं, क्लास 10th में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह। फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमने क्या देखा कि हम इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हैं, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो उस केस में जब हमने फ्रीली सस्पेंड करके देखा, ठीक है, तो देखा कि पहले डायरेक्शन मान लो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, तो अब साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में मतलब वो क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, मतलब आप यूं मान के चलो कि आपके पास में एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये वाली कंडीशन है, और बार मैग्नेट सोलेनोइड है, आपके पास एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर रखी है और सोलेनोइड में से करंट फ्लो कर रहा है, और आपने उसको फ्रीली सस्पेंड किया तो देखा कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, साउथ नॉर्थ में अलाइन कर रहा है। फिर इमीडिएटली वो ऐसे ही मतलब फ्रीली सस्पेंड था, बट आपने इमीडिएटली आपके पास ऐसा मैकेनिज्म है, आपने मतलब बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी या करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो उस केस में देखोगे कि ये जो सोलेनोइड है ये 180 डिग्री पे अलाइन कर जाएगा, सो गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें हम सोलेनोइड में पढ़ते हैं। अब बेटा इसके बाद में हम सोलेनोइड को ड्रॉ करने की कोशिश करें, एक और डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे सोलेनोइड के लिए, लाइक इस तरीके से। देखो एक सिंप्लीफाइड व्यू है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे ये मेरे पास कोई सोलेनोइड था, ठीक है, और इस सोलेनोइड में से मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो सोलेनोइड है इसकी ये वाली जो टर्न है इसके साथ में, और इन दोनों टर्मिनल पे बैटरी कनेक्ट है, तो इस टर्मिनल से जब करंट एंटर करेगा तो नीचे की तरफ होगा, तो करंट कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बेटा ये मेरे पास सोलेनोइड है, ठीक है, और इस सोलेनोइड में से मान लो मैंने यहाँ बैटरी कनेक्ट कर रखी है, क्या कनेक्ट कर रखी है, बैटरी कनेक्ट कर रखी है, तो उस केस में यहाँ बैटरी यहां से करंट फ्लो करेगा इस टर्मिनल से, यहां से, ठीक है, और इस वायर में आएगा। जब ये वायर नीचे वाले पोर्शन पे बात करें तो करंट अंदर की तरफ जाएगा, देखो इस वायर में, ठीक है, और फिर वो इस वाले पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन फिर बाहर की तरफ हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पे करंट अंदर, फिर ऊपर वाले पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ, यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब आप ये ऐसी सिचुएशन समझ सकते हो, देखो कोई भी आपके पास में ये सोलेनोइड होता है तो उसमें एक रिंग होता है, क्या होता है, ये रिंग होता है, ठीक है, ये रिंग कुछ ऐसे होता है, इस तरह के कई सारे रिंग होते हैं सोलेनोइड में, ठीक है, और वो जो रिंग होता है वो ऐसे रखा होता है, ये शेप होती है, ठीक है। अब मान लो कि यहां से करंट, यहां पे टर्मिनल है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सोलेनोइड में इस तरीके से, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो करंट यहां पे आएगा तो फिर देखो इस वाले पॉइंट पे आएगा तो करंट कहां जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है, करंट जाएगा अंदर की तरफ सोलेनोइड के नीचे वाले पोर्शन में, फिर इस पूरी वायर में से फ्लो करते हुए ऊपर वाले पॉइंट पे आएगा तो करंट कहां हो जाएगा, बाहर की तरफ, नीचे वाले पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ, ऊपर वाले पे बाहर की तरफ, फिर आगे इस तरह बहुत सारे टर्न है, तो जितनी भी टर्न है उसमें नीचे वाले पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, और ऊपर वाले पॉइंट जितने भी होंगे वहां पे क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में।
तो ये जो सोलेनोइड है इसी का हम एक सिंप्लीफाइड रूप बनाए, तो इस सोलेनोइड के नीचे वाले पॉइंट पे करंट कहाँ जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। और ये जो पूरी टर्न बनाएंगे तो एक एक टर्न का नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से में करंट कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, इसमें भी ऊपर की तरफ, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिखा दी है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में बेटा ये जो करंट है सोलेनोइड का लोअर पोर्शन है, ठीक है, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब करंट अंदर की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो थंब अंदर की तरफ जाएगा और फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेगी इस तरीके से। ये देखो जो ब्लू कलर से ग्रीन कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस पैटर्न में, ठीक है, ये वाला है पोर्शन है, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। देखो अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, डायरेक्शन ऐसे रहेगी, तो एक यू और एक यू, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले के कारण नीचे की तरफ है, इस वाले के कारण ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, इन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड या सोलेनोइड कितना होता है, जीरो, ठीक है। सिमिलरली इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इन सभी के कारण ड्रॉ करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है ना। आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरा ड्रॉ करना, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, देखो ये वैसे तो एक ही टर्न है, वैसे तो एक ही टर्न है, इस वाली टर्न में करंट अंदर की तरफ, दूसरी में बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में होती है ना, ठीक है। अब ये वाला जो टर्न है आपका, ये वाला जो टर्न है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये करंट बाहर की तरफ है तो थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल करो, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है। इस वाले के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेगी, कट नहीं करना है, लेकिन अगेन यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि इक्वल करंट है, यहाँ पे नलीफाई कर देगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के इम्पैक्ट को, तो इस तरीके से आपको करंट की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखा दी है, ठीक है, ओके। ये आपकी रेफरेंस बुक में डायग्राम भी मिलेगा अच्छे से, अब वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के बाहर कितना हो जाता है, जीरो। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जीरो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनोइड कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नलीफाई कर देगा। अब ये जो वायर आप देख रहे हो, देखो रियलिटी में तो ये टर्न कुछ ऐसी है, देखो ये एक टर्न बना रहा हूं मैं, सोलेनोइड की एक टर्न है, और ये ग्रीन वाला और ब्लैक वाला इस टर्न का लो ये पोर्शन है। देखो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, ठीक है, और ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर की तरफ है, ऐसे एक टर्न है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ये मैं एक टर्न बना रहा हूं, इस वाली टर्न के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी, नीचे वाले पोर्शन के कारण बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली वायर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यू नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और बाहर की तरफ आ रहा है। जब यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे करंट आएगा तो थंब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे इस वाले पोर्शन में, तो उसकी शेप क्या होगी, तो आपको थंब करंट की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, फिंगर को ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू चली जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद तो इस वाले जोन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। सो अब आप इस एक बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और समझ लो। देखो ये आपको पता है, ये दोनों एक ही टर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रॉस और ये है, ठीक है, ऊपर सर्कल वाला पोर्शन है, तो यहाँ डॉट वाला, तो यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट टर्न है, ठीक है। फर्स्ट टर्न में यहाँ पे जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में, लोअर वाले केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली, अपर वाले केस में ड्रॉ कर ली।
अब बचे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन में करंट कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ। तो आप क्या करोगे, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। फिर सेकंड केस में आप क्या करोगे, ये वाला पोर्शन इस रिंग का, ये वाला जो अंदर की तरफ है, इसमें करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो आप क्या करोगे, इसमें कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर, तो फिंगर कर्ल होके वापस कहाँ आ जाएगी, इसी डायरेक्शन में आ जाएगी आगे की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, इनसाइड द बार मैग्नेट, ठीक है। चलो अब एक काम करो, आप इस वाले पोर्शन को आप रब कर लो, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इनसाइड सोलेनोइड, ठीक है। चलो फिर टाइटल हम लिखेंगे, ये वाला डायग्राम तो हमें बनाना ही पड़ेगा, लिखें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड एट एनी पॉइंट पी, हम पॉइंट पी पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट पी है और उस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सोलेनोइड के अंदर है, मतलब सिचुएशन कैसी है, मतलब ये जो आप सोलेनोइड आप देख रहे हो ना, इसके बीच में, ठीक यहाँ पे इन स्पाइरल जो रिंग्स बनी हुई है, ठीक है, इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हम किसका यूज करेंगे, बाय यूजिंग एम्पियर लॉ, यूजिंग एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट पी है इसको हम एम्पिरियन लूप में लेते हैं। तो एक एम्पिरियन लूप मैंने रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया, ठीक है। इस लूप को मैं कह देता हूँ ए बी सी डी, दिस इज आर एम्पिरियन रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लूप की डायरेक्शन भी आपको लेनी पड़ेगी, तो लूप की डायरेक्शन मैंने ले ली इन दिस वे, ए से बी, B से C, C से D और D से A। अब मेरे को एम्पियर लो यूज करके इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये पॉइंट P सोलेनोइड के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, लिखो अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लो ऑन लूप ए बी सी डी। ए बी सी डी लूप में हम एम्पीयर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे। तो एम्पीयर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये किसके इक्वल होता है, म्यू नोट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट लूप, ठीक है। और ये जो लूप है इसमें से कुछ करंट पास कर रहा है, कितना, हाई करंट पास कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। जैसे देखो ये जो इसके साथ में, ये तो मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाया था, वैसे जब हमने लूप बनाया था, सोलेनोइड हमने ड्रॉ किया था, तो हमारा सोलेनोइड कुछ ऐसे बना था, ये वाला डायग्राम भी बना लो साथ में, हमारा सोलेनोइड कुछ ऐसे बना था, देखो ड्राइंग मेरी ऐसी है, आपको पता है, आप बना लोगे डायग्राम तो आपको अच्छे से बनाने आते होंगे होपफुली। ये हमारे पास एक सोलेनोइड था और इसके साथ में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी थी ऐसे, ये बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे की है, ये बैटरी है, ठीक है। और एक बात बताओ बेटा, ये जो सोलेनोइड है इसके ऊपर आपने जो नंबर ऑफ टर्न बना रखे हैं, इन्होंने कुछ तो लेंथ एक्वायर किया होगा, कितना लेंथ एक्वायर किया, एल, मतलब एल लेंथ में ये वायर है, ये टर्न्स है, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ टर्न है, एन नंबर ऑफ टर्न है, एन क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनोइड, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल है उसके ऊपर ये कितने सर्कुलर टर्न बने हुए हैं उसको कैपिटल एन से दिखाया है। और हम एक और टर्म यूज करेंगे,
यहां पे लिखो लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, की यूनिट लेंथ में कितने टर्न आते हैं पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहां से कैपिटल n को हम स्मॉल n इनटू l लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। और इस जैसे हम यहां से की क्लोज करेंगे, सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा i। ठीक है, और वो i करंट फिर कहां फ्लो करेगा, इन टर्न्स में से फ्लो करेगा। तो इस लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, i करंट। ठीक है, चलो अब ये जो हमारा क्लोज इंटीग्रल है ये रिप्रेजेंट करेगा कि क्लोज लूप क्या है हमारा। क्लोज लूप है ए बी सी डी, तो यहां पे आप लिख दोगे ए बी सी डी। अब इसको आप कैसे लिखोगे, देखो ये जो आपका बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है जो क्लोज लूप ए बी सी डी के लिए है, इसको अप्लाई करोगे तो पहले हम ए बी वाला पोर्शन लेंगे, इसी को ऐसे लिखेंगे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, किसके लिए लिखेंगे ए टू बी। ठीक है ना, ए से बी के लिए। फिर फर्दर हम इसको लिखेंगे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बी से सी के लिए, बी से सी के लिए। फिर क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कितना हो जाएगा, सी से डी। और फिर क्लोज इंटीग्रल कितना हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हो जाएगा डी से ए। ठीक है, अब बेटा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। ठीक है, ये बताओ कि ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इस डायरेक्शन में, और डीएल की डायरेक्शन वही होती है जो लूप की होती है, वो नीचे है। तो इस केस में थीटा कितना बनेगा, ए से बी के केस में, यहां पे थीटा बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर डीएल की डायरेक्शन की है। बी से सी के केस की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ये डीएल, ये थीटा कितना बनेगा, जीरो। तो बी से सी में थीटा बना 0 डिग्री। सी से डी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और लूप की डायरेक्शन ये, तो डीएल ऊपर, तो अगेन थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। और फिर डी से ए की बात करें तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही क्या हो गया, जीरो। तो इन सारे पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, इन पॉइंट एंड इक्वेशंस में। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके इक्वल होगा। देखो बी डी एल कोस 90, बी डी एल डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो बी डी एल कोस 9 थीटा, तो कोस थीटा कितना है 90, तो ये 0 बन जाएगा प्लस में। ये कितना बनेगा, बी से सी, ये हो जाएगा बी डी एल कोस 0। फिर अगेन सी से डी बी डी एल कोस थीटा, इसको डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो थीटा 90 कोस 90 0, ये भी 0 प्लस में। इस वाले केस में बी डी एल कोस थीटा, तो यहाँ पे बी 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो गया। तो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा वो इक्वेशन आपके पास रहेगी, जो ए बी सी डी जो लूप है उसका बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, उसको आप क्या लिखोगे, उसको आप लिख सकते हो क्लोज इंटीग्रल बी से सी बी डी एल, क्या लिखोगे, बी डी एल। ठीक है, चलो। और इस केस में फिर फर्दर आगे आप क्या लिख सकते हो, आगे आप लिख दो एक स्टेप को ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, बी की वैल्यू बाहर निकालो क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, अंदर बचेगा डी एल, तो डी एल का इंटीग्रेशन करोगे बी से सी। तो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, जो कि b तो आपने बाहर निकाल लिया है ना, सॉरी ये यहाँ पे b वेक्टर डॉट dl वेक्टर है, ये किसके इक्वल हो गया b। अब आप dl का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l होगा। ठीक है, तो dl का इंटीग्रेशन करने का मतलब है b और c के बीच में आपने छोटा सा पोर्शन लिया था b और dl की डायरेक्शन थीटा चेक करने के लिए। जब आप पूरी bc का इंटीग्रेट करोगे, मान लो ये लूप आपने इतना बड़ा ले रखा है कि इसने पूरे सोलेनोइड को एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहेगा आप इस लूप को पूरा बड़ा दिखा दें। एक मिनट,
आपने अभी तक डायग्राम नहीं बनाया है तो फिर उसमें आपको सोलेनोइड की पूरी लेंथ आप दिखा सकते हो, ठीक है। इस लूप को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, जैसे लूप आप ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है ना। यहां से तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। इसको अननेसेसरी कट कर यहां तक ही बना दो, ये लूप बना दो, ए बी सी डी, ठीक है। तो एक बात बताओ कि आप डीएल का डीएल बीसी की बात करेंगे, बीसी वाला केस है, ठीक है। कि यहाँ पे हम बात करें बी डॉट डीएल एबीसीडी वाला किसके इक्वल है, बी बी से सी डीएल का इंटीग्रेशन। तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको बी और सी के बीच की पूरी लेंथ मिल जाएगी, जो किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, जो किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। एल क्या चीज है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है बेटा। तो आपका रिजल्ट डीएल का ये आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो आपके पास ये वाली टर्म्स थी, यहाँ पे ये आपने लिखी डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एल। तो आपके पास इक्वेशन एक ही आ गई, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप यहां से इसको रब कर सकते हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला डायग्राम का काम नहीं है, इसको हम रब कर देते हैं, इसका भी काम नहीं, ठीक है। चल अब इसके बाद में हम करेंगे, यहां से यहां पे पहुंच गया, इसके बाद में आ जाओ यहां पे। तो अब आप लिखो फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्या चीज है, फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इनटू आई के इक्वल, ठीक है। ये कब होता है, जब नंबर ऑफ टर्न कितनी होती है, वन, ठीक है ना, जब नंबर ऑफ टर्न कितनी हो, वन, ठीक है। और आपके पास एन टर्न हो जाए, कितनी हो जाए, एन टर्न, तो ये लिखोगे, ये तो फॉर्मूला होता है फॉर वन टर्न। अब इसी फॉर्मूले को लिखो आप एन टर्न के लिए, कितनी टर्न के लिए, एन टर्न के लिए, क्योंकि सोलेनोइड में तो बहुत सारी टर्न होती है। तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या बनेगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल किसके लिए, ए बी सी डी लूप के लिए, ए बी सी डी लूप के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा एन इंटू म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे क्लोज इंटीग्रल ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, एन को आप क्या लिख सकते हो, यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दो, ठीक है, इक्वेशन ए बोल दो, क्या बोल दो, इक्वेशन ए, ठीक है। तो इक्वेशन ए से एन को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल एन इंटू एल इंटू म्यू नोट इंटू आई। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, ये इक्वेशन आपके पास बन गई सेकेंड। दो इक्वेशन बनी है, दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर, इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रिजल्ट। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो आपने फाइंड आउट किया था वो आपको मिला था बी इंटू एल, वो किसके वैल्यू किसके इक्वल थी, बी इंटू एल, डी एल का इंटीग्रेशन किया था बी सी, ठीक है, जो लेंथ मिली थी आपको, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी, और इक्वेशन सेकंड, दिस वाज द इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन क्या है, ए बी सी डी का बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर आप क्या लिख सकते हो, एन एल म्यू नॉट इनटू आई। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें हम, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी इक्वल होगा, सो वी कैन से, सो वी कैन से बी इंटू एल इज इक्वल टू एन एल म्यू नॉट आई। आप एल से एल को कैंसिल आउट कर दो और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आपको मिलेगी एन म्यू नॉट आई, कितनी मिलेगी, एन म्यू नॉट आई, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, नोट कर लें, ठीक है। फिर एक ग्राफ भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये जो ये है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो मेडिकल्स वगैरह में काफी काम आने वाला है आपके ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे इस शेप का होता है लाइक इन दिस वे, मतलब सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बी, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट इंडिकेट करता है बी बाई टू, हाफ मैग्नेटिक फील्ड की हाफ वैल्यू। ये वाला पॉइंट किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है और ये वाला किसके, ये वाला होता है एंड पॉइंट ऑफ सोलेनोइड, एंड पॉइंट ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड के एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है बी बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बी बाई टू, और ये भी क्या चीज है एंड पॉइंट ऑफ सोलेनोइड। तो ये ग्राफ की शेप कई बार मान लो आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप कर दोगे, नोट करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड की। सोलेनोइड के अबाउट हमने स्टडी कर लिया, सोलेनोइड बेसिकली क्या होता है, कॉपर की इंसुलेटेड वायर होती है जो किसी एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे आप वाउंड करते हो, ठीक है, लाइक जैसे ये एक सोलेनोइड है, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल डाला हुआ है। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, इसी सोलेनोइड का ऐसे सर्कुलर शेप में मैं इसको सर्कुलर शेप दे देता हूँ सोलेनोइड को, तो ये क्या कहलाएगा, टोरॉइड, ठीक है, तो ब्रेक हो गया कोई बात नहीं, तो ये बेसिकली क्या रहेगा, टोरॉइड। तो ये आप देख रहे हो सोलेनोइड को आपने एक सर्कुलर शेप दे दी है जिसको हम टोरॉइड बोल रहे हैं। तो इस टोरॉइड में, इस टोरॉइड में आई करंट एंटर कर रहा है, वही करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और फाइनली आई करंट इस टोरॉइड से बाहर निकल रहा है, ठीक है, जैसे सोलेनोइड में सेम वही है, फर्क क्या है, एक तरीके से यूं कह सकते हो एक सर्कुलर सोलेनोइड है जिसको हमने नाम अलग दे दिया टोरॉइड। अब ये जो टोरॉइड है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का हमें ध्यान रखना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है टोरॉइड के कारण डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, एक इसके सेंटर पे इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे टोरॉइड के अंदर, एक यहाँ पे फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, और एक बाहर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सिचुएशन समझेंगे, ठीक है, वो सिचुएशन क्या है, देखो बेटा ये मेरे पास एक टोरॉइड है, ठीक है, लाइक ये देखो ये हमारे पास एक टोरॉइड है, इसको हम अच्छे से एक बार थोड़ा सा तैयार कर देखते हैं, ये बन गया टोरॉइड, ठीक है, ये टोरॉइड है। तो टोरॉइड की शेप कुछ ऐसे है इन दिस वे, ठीक है बेटा, ये आप एक टोरॉइड देख रहे हो। अब इस टोरॉइड में क्या है कि जहां मेरा थंब है वहां से करंट एंटर कर रहा है और जहां मेरी ये वाली फिंगर वहां से करंट निकल रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये देखोगे कि ये जो टोरॉइड होता है इसमें जो करंट एंटर करेगा, करंट एंटर करेगा, मान लो इस वायर से करंट एंटर किया और इस वाले ऊपर वाले हिस्से से तो करंट बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, लाइक इन दिस वे, देखो करंट कहां से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है और ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है इन दिस वे, ठीक है। तो ये जो आपको टोरॉइड में कई सारी सर्कुलर रिंग होती है एक सर्कल के पैटर्न में, तो इस वाले हिस्से की बात करूं मैं, इस वाले हिस्से पे देखो पहले करंट यहां से जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उससे करंट निकलेगा बाहर की तरफ, ठीक है, और नीचे फिर ये करंट ऐसे यहां से तो बाहर की तरफ निकलेगा यूं, और जैसे फिर फ्लो करके यहां पहुंचेगा करंट फिर अंदर की तरफ, ओके, फिर यहां से करंट आएगा फिर इस पॉइंट पे आएगा तो करंट फिर बाहर की तरफ और यूं फ्लो करके फिर अंदर की तरफ, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो टोरॉइड है, टोरॉइड के ये वाले जो पॉइंट है उस पे तो करंट क्या रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ करंट ऐसे बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और टोरॉइड के जो ये नीचे वाले पॉइंट है, ठीक है, इन पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो हम इनवर्ड डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के सिंबल से, तो जो इनवर्ड वाले पॉइंट पे डायरेक्शन हम दिखा देंगे क्रॉस बना देंगे यहाँ पे, और आउटवर्ड वालों पे क्या लगा देंगे, डॉट के ऊपर सर्कल लगा देंगे, यू गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं इस टोरॉइड को यहाँ पे ले आता हूँ, सेम ऐसे देखो यही सिचुएशन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन कहाँ है,
डाउन अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ये सोलेनोइड का अंदर वाला हिस्सा है, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन इनवर्ट 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 इनवर्ट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सेक्शनल व्यू अलग बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में हम कर सकते हैं, बाकी कहोगे तो बना देंगे, ठीक है। और अपवर्ड ये जो ऊपर वाला पोर्शन है सोलेनोइड का, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इनमें करंट बाहर की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। ये एक आपने तरीके से सेक्शनल व्यू बना दिया, ओके, ये बन चुका आई थिंक। अब बेटा हमें क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाना चाहते हो तो हमारा टारगेट कुछ ऐसे है। देखो सबसे पहले आप एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ले लो सर्कुलर शेप में, उसके ऊपर सर्कुलर शेप में आपको क्या करना है, रिंग ये कॉपर की वायर को इंच वो कर देना है, टर्न बाउंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनती है, यहाँ से वायर, ये दो वायर, यहाँ से करंट एंटर करता है, यहाँ से करंट बाहर निकलता है। फिर यहाँ में वो वायर एक बार फिर से बाउंड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है, इन सभी पॉइंट पे करंट इनवर्ट डायरेक्शन में रहेगा, और यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे वायर के, वहां पे करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, जितने ये हो इक्वली बनाने हैं, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने कम ज्यादा कर दिया तो आप इक्वल कर देना। अब इसके बाद में हमें मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट करना है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए करना है। हमें लोकेशन फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, लोकेशन सेकंड में, और ये थर्ड वाले जो हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट बोल देते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ये है जहाँ फील्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तीन जोन है हमारे पास, और तीनों पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू टॉरॉइड। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट ए की बात करें, ठीक है। तो पॉइंट ए हमारा रीजन फर्स्ट में आएगा, रीजन फर्स्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट ए, ठीक है। तो यूज करेंगे एम्पियर लॉ, ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, आप पूरा लिखेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पीरियन सर्कुलर लॉ क्या कहता है, आपको ए पॉइंट पे आपको एक एम्पीरियन लूप ड्रो करना पड़ेगा, ऐसे आपने लूप ड्रो कर दिया, ठीक है, और फिर ये फॉर्मूला लगा दो, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट, और ये करंट वो होता है जो एम्पीरियन लूप में होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे सिंस एम्पीरियन लूप में तो कोई करंट आया ही नहीं, ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो, तो बी डी एल, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी डी एल जीरो। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। देखो डीएल लूप की लेंथ तो जीरो नहीं हो सकती ना, तो क्लियरली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो यहां से रीजन फर्स्ट में आपको पता चलेगा पॉइंट इसके इंटीरियर में, इसके हर यहाँ इंटीरियर नहीं सॉरी ये जो टोरॉइड बना है इसकी इस वाले रीजन में, ठीक है, इंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, इंटीरियर बोला जाएगा इसको। फिर इन हम बात करें रीजन थर्ड में, इन रीजन थर्ड, रीजन थर्ड की बात करें, रीजन थर्ड पे एट सी पॉइंट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो सी पॉइंट पे आपको एम्पियरियन लूप भी बनाना पड़ेगा, ये हमने बनाया एम्पियरियन, ये अपन क्या बनाया एम्पियरियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ठीक है बेटा। अब इस थर्ड वाले रीजन में जब हम सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो सी पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखो बी वेक्टर
dot dl vector is equal to mu naught times of current since I is equal to, again I यहाँ पे zero हो जाएगा। अब कहोगे सर zero कैसे हो जाएगा? zero यूं हो जाएगा, देखो ये हम बात कर रहे हैं I current enter कर रहा था, I जा रहा था, ठीक है। ये आपने loop बनाया, ये circular shape में बना, ठीक है, ये circular shape में loop बना, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक में तो करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, दूसरे में अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था जब अंदर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो बाहर वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव करंट की। और जब आप यहाँ पे नेट करंट लिखोगे, ये जो इस लूप में जो नेट करंट आएगा, नेट करंट कौन सा आएगा, आई इनसाइड प्लस में आई आउटसाइड। और बाय कन्वेंशन एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, दूसरी को नेगेटिव। और हमने इनसाइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, तो इनसाइड वाला करंट कितना होगा, प्लस आई, और बाहर वाला कितना होगा, माइनस आई, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेट करंट यहाँ पे जो लूप में फ्लो करेगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। एम्पीरियल लूप में नेट करंट जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू जीरो, ठीक है। म्यू नोट इंटू आई होता है ना फॉर्मूला, ठीक है, तो ये म्यू नोट इंटू आई लिख लो आप एक बार, चलो रिपीट लिख दिया, आई की वैल्यू अगेन जीरो हो जाएगी। एम्पीरियल लूप में करंट जीरो, तो अगेन यहाँ से क्लियरली हम कह देंगे डीएल तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ये तो लेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा, तो यहाँ पे बी जीरो। तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का पता चला, और वो क्या थी कि ए पॉइंट पे भी टोरॉइड के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और एक्सटीरियर वाले पोर्शन बाहर टोरॉइड से बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड सेकंड रीजन में फाइंड आउट करके देखें बी पॉइंट पे। तो टोरॉइड का सेंटर यहाँ पे ओ होगा, मैं टोरॉइड के सेंटर से, मैं टोरॉइड के सेंटर से और इस बी पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, ये कुछ डिस्टेंस होगा कितना आर, ठीक है। अब मैं बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, इस वाले पोर्शन को मैं रब कर देता हूं, तो लिखेगा रीजन, रीजन कौन सा है, सेकंड एट बी, बी पॉइंट पे, रीजन सेकंड में बी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू एम्पीरियल सर्कुलर लॉ क्या चीज होता है, बी वेक्टर डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब हम बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो हमें यहाँ पे एक एम्पीरियल लूप बनाना पड़ेगा, ये बनाया मैंने एम्पीरियल लूप। आप डायग्राम अच्छा सा बनाओगे खुला खुला, ठीक है। सो अब ये वाला डिस्टेंस लूप का रेडियस कितना हुआ, आर, लूप का रेडियस कितना बना, आर। अब मैं यहां पे एक बात बताओ बेटा, जब लूप के अंदर कौन सा करंट आ रहा है, ये इंटीरियर वाला जो इनवर्ट डायरेक्शन में है, और एक डायरेक्शन तो क्या रहेगी करंट की, मतलब ये सारा करंट इनवर्ट डायरेक्शन वाला आ रहा है, तो इनवर्ट में कितना जा रहा है आई, एक डायरेक्शन तो पॉजिटिव रहेगी तो एक करंट तो रहेगा ना, ठीक है। तो यहां पे जब आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, इसको ओपन करो, इसको लिखोगे बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई, ठीक है। और यहाँ पे जो I करंट है ये लूप के अंदर I, सिर्फ कौन सा है, इनसाइड, जो इनवर्ट डायरेक्शन में करंट है वही है, ठीक है। अब आउटवर्ड वाला हो जाता तो वो फिर प्लस माइनस होके जीरो हो जाता नेट करंट, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही करंट आया तो हमने म्यू नॉट इनटू I लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, इसी लूप पे हम क्या करेंगे, ये इनवर्ट डायरेक्शन है, कहीं पे भी एक छोटा सा पोर्शन ले लो, तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे बी पॉइंट पे। तो क्या करते हो, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर, तो आप ऐसे दिखा सकते हो, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, यही डायरेक्शन लूप की ले लो, यही डायरेक्शन, देखो लूप की भी तो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस, इतना लिख दो काफी है, बी वैक्टर इज पैरल टू डी एल वैक्टर, तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। ये स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जब एम्पीरियल लूप स्टडी किया था हमने, इनवर्ट डायरेक्शन में कोई कंडक्टर लिया था तो उसके केस में भी देखा था, जो डायरेक्शन बीएल की थी वही डीएल वेक्टर की थी, तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे आप लिखोगे बी डीएल कॉस जीरो,
बी डी एल कोस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, तो बी बाहर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है, ये नोट कर लेना, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट हो गया ये, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा डी एल, कोस जीरो कितना हो जाएगा वन म्यू नॉट इनटू आई। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे लूप कौन सा है सेकंड रीजन का, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, इस लूप का हमने छोटा सा पोर्शन लिया, सपोज करो डीएल पोर्शन लिया, ठीक है। आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, यहाँ पे इसका डीएल पोर्शन दिखा सकते हो, ठीक है। तो यही डीएल की डायरेक्शन बनेगी यहाँ पे, और यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। इफ यू फील कंफर्टेबल तो दिखा दो, तो यहाँ पे थीटा जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डीएल है, ये छोटे छोटे डीएल है, इनको मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे को जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है उसका सर्कमफेरेंस मिलेगा, और ये रेड कलर की डॉटेड लाइन एम्पिरियल लूप है। तो मैं इस डीएल को इंटीग्रेट करूंगा तो ये रेड कलर की जो डॉटेड लाइन है इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, और रेड कलर की जो डॉटेड लाइन है इसका रेडियस कितना है आर, तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा 2πr, सर्कुलर शेप में है ना, तो ये हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है अब तक। चलो ये तो हम बात कर रहे थे वन टर्न की, देखो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको हम रब कर देते हैं, आप नोट स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, अब मैं इसको रब करता हूँ। ये जो फॉर्मूला होता है आपने यहां तक किया, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहां पे देखो इफ क्या है, इफ कॉइल हैज एन कैपिटल एन टर्न, कैपिटल एन टर्न, अब कॉइल में टोटल टर्न एन हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, इसी फॉर्मूले को मैं एक्सटेंड करके लिख देता हूं, ये बन जाएगा b into 2πr is equal to n times of mu not into i, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, क्यों, क्योंकि आपने देखा था n टर्न वाला केस होता है, n यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर स्मॉल n का क्या होगा, आते हैं हम स्मॉल n वाले कॉन्सेप्ट पे। तो एक बात बताओ, ये जो आपने एम्पिरियल लूप बनाया इसमें तो बहुत सारे टर्न आए होंगे, कितने टर्न थे, कैपिटल n, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो if let, यहाँ पे लिख सकते हैं, डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे नोट में लिखो n क्या चीज थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन लेंथ l, l लेंथ में, ठीक है। और मैं आपसे ये पूछूं कि स्मॉल n क्या चीज होगा, ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n क्या चीज होता है, होता है कैपिटल n अपॉन में l, ठीक है, कैपिटल n अपॉन में l, l l क्या चीज है, एम्पिरियन लूप की लेंथ, सर्कुलर है ये शेप में, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr, ठीक है। तो यहां से मैं कैपिटल n को क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल n इंटू 2πr, होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो देखो b इंटू 2πr इज इक्वल टू कैपिटल n को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू 2πr इंटू म्यू नॉट इंटू पाई। अब हम 2πr से 2πr को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां से जो 2πr से 2πr b की वैल्यू जो मिलेगी हमें, दैट विल बी म्यू नॉट इंटू n, ओके। So this will be the value of magnetic field due to toroid at point B, B point पे, जो toroid के अंदर वाला region है, उसमें ये point B है। तो my dear student, it was all about today's class. Hopefully video आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो video को like करना। Next video में मिलेंगे हम एक नए topic के साथ में। So thank you, have a great day ahead.